नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है राहु ग्रह के वृश्चिक नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। 20 मई 2020 को राहु वृश्चिक नक्षत्र के अंदर भ्रमण शुरू करने वाले हैं और ये जो भ्रमण है वो चलेगा 26 जनवरी 2021 तक। दोपहर में 2:59 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 बजे से राहु वृश्चिक नक्षत्र में उल्टा भ्रमण शुरू करेंगे चतुर्थ चरण से। राहु और केतु जो हैं वो हमेशा उल्टा चलते हैं, तो राहु का आज का पर्टिकुलरली वीडियो है वृश्चिक नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर कैसा फल देने वाले होंगे। राहु प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 8 महीना और 8 दिन चलते हैं, तो ये चौथे चरण के अंदर चलेंगे 2 महीना और 2 दिन। तो 20 मई 2020 से लेकर 22 जुलाई 2020 तक ये चौथे चरण के अंदर चलेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है 2 महीने की, ये प्रत्येक राशि में प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देने वाले होंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है, किसके लिए ये लाभ करने वाले हैं, किसके लिए ये नुकसान करने वाले हैं, डिटेल में जानते हैं। राहु का प्रेडिक्शन वृश्चिक नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर राहु कैसा फल देने वाले होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो चौथा चरण है ये मिथुन राशि के अंदर है। वृश्चिक नक्षत्र का चौथा चरण और तीसरा चरण दोनों मिथुन राशि में है और चौथा चरण जो है वो जल तत्व का है। वृश्चिक नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वृश्चिक नक्षत्र की जो योनि है ये सर्प योनि है। सर्प माने सांप, स्नेक। जो ये जो है ये बहुत शॉर्ट टेम्पर कैरेक्टरिस्टिक होता है। सर्प जो होते हैं इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसको कोई थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दे तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और ये नक्षत्र भी मंगल का है तो टेम्परनेस तो होगा ही होगा और ये डैमेज करने वाला टेम्परनेस होगा। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर के अंदर फाइटिंग करने वाला ये नक्षत्र है। तो इसकी जो इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि जिसके लिए ये विपत नक्षत्र में होंगे, प्रत्यारी नक्षत्र में होंगे, इनके लिए ये ज़्यादा डैमेज नुकसान करने वाला होगा। तो वृश्चिक नक्षत्र के कारण क्या होगा कि राहु जो है वो वेस्टर्न के अधिपति हैं, पश्चिम के अधिपति हैं और वहाँ पर खास करके इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और चौथा चरण जो है खास करके ये जल तत्व का है तो पानी के अंदर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। पानी के अंदर जबरदस्त उछाल होने की, भूचाल होने की, पानी के अंदर अर्थक्वेक होने की संभावना बढ़ जाएगी, खास करके ये 2 महीने के अंदर। तो जब तक ये राहु चौथे चरण के अंदर है तो खास करके जिनके लिए भी विपत नक्षत्र में है और प्रत्यारी नक्षत्र में है इनको पानी से भी बचना होगा। और किसको ज़्यादा केयर करना है डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे राशि चक्र की। प्रथम राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो मेष राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए जो राहु चलेंगे आपके लिए पराक्रम स्थान के अंदर चल रहे हैं और चलने वाले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। राहु अभी जो आज हम शूटिंग कर रहे हैं 19 तारीख को, तो राहु अग्र नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर है और ये राहु कल दोपहर में 3 बजे अप्रोक्सीमेटली ये चलेंगे वृश्चिक नक्षत्र में। तो नक्षत्र बदलने के कारण जो इसका इफेक्ट है ये बदल जाएगा। राहु लास्ट 8 महीने के अंदर जो अदरा नक्षत्र में चल रहे थे वो शुभ नहीं थे, अब ये मंगल का नक्षत्र है तो उसके कारण क्या होगा कि ये थोड़ा सा जो पैनिक इफेक्ट है इसका कम करने वाला है। फिर भी ये नक्षत्र लड़ाकू नक्षत्र तो है, मंगल का नक्षत्र है, और फिर भी चौथे चरण के अंदर इसका काफ़ी इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर भी क्या केयर करना है, मिथुन राशि के अंदर मेष राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए जो ये अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं इनके लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र में होंगे। तो प्रत्यारी माने ओपोजिशन। ओपोजिशन भाई बहन के साथ आपका ओपोजिशन हो सकता है, नेबर्स के साथ हो सकता है,
और इसमें भी खास करके बहन के साथ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो या तो आपके साइड में कोई नेबर्स में पड़ोसी है उनमें भी खास करके फीमेल मेंबर के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है, क्योंकि चौथा चरण जो है वो जल तत्व का है और इसके जो कारक है ये चंद्र है, तो यहाँ पर आपको केयर करना होगा। भरणी नक्षत्र में जन्म जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट होगी ये मध्यम फलदायी होगी, तो आपके लिए इतना टेंशन वाली बात नहीं है। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर जन्मे जातकों के लिए ये ट्रांजिट विपत नक्षत्र में होगी, तो विपत माने टेंशन, खास करके जैसे अभी बताया कि नेबर्स में खास करके फीमेल मेंबर और ब्रदर सिस्टर में खास करके सिस्टर्स के साथ आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा केयर करना होगा। साथ साथ आपको ये नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, क्योंकि जो पानी है आपके लिए खतरा मोड़ सकता है। तो चौथा चरण जो है विपत नक्षत्र है आपका, तो पानी के अंदर जाने के कारण आपको कोई ज़्यादा डैमेजेस लॉसेस आने की संभावना रहेगी। दूसरी राशि वृषभ राशि। कृतिका नक्षत्र के जो तीन चरण है ये वृषभ राशि के अंदर आते हैं। अब राहु जो ये वृक्षिश नक्षत्र के चौथे चरण में चलने वाले हैं, ये खास करके घर के अंदर आपकी कोई फीमेल मेंबर हैं इनके साथ आपका टेंशन ज़्यादा क्रिएट करवाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, वाणी में संयम रखना होगा और वो भी खास करके कुटुंब के अंदर। इसके साथ साथ आपको आंख कान नाक दांत इत्यादि अंगों का भी विशेष केयर करना होगा। जिनका भी जन्म का सूर्य कृतिका नक्षत्र में है या तो जिनका जन्म का चंद्र कृतिका नक्षत्र में है, ये दोनों जातकों को ज़्यादा टेक केयर करना होगा। तीसरी राशि, अच्छा वृषभ राशि का प्रेडिक्शन चल रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट होगी एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी। जो लास्ट महीना 8 महीना आपने टेंशन में गुजारा है, स्ट्रेस में गुजारा है, ये ट्रांजिट आपको एक्सट्रीमली बेनिफिट करने वाली होगी, एक्सट्रीमली राहत करने वाली होगी, सफलता देने वाली होगी। पारिवारिक और फाइनेंशियल दोनों प्रकार से आपके लिए ये ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी। तो रोहिणी के लिए एक्सट्रीमली शुभ है, कृतिका के लिए जबरदस्त टेंशन वाला है, और वृक्षिश में जन्म हुआ है इनके लिए मध्यम फलदायी है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही राशि के अंदर जन्मे हुए नक्षत्र के कारण इसका जो फल है ये बदल जाता है। तो कृतिका के लिए टेंशन है, रोहिणी के लिए संपत है, मतलब खुशियों में वृद्धि करने वाला है, और वृक्षिश के लिए मध्यम है। तो जान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस क्या है, तो आपका डेट ऑफ यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है। वीडियो के आखिर में आपको बता देते हैं कि इसके नक्षत्र की शांति के लिए रेमेडी क्या करना है, देखते रहिए वीडियो एंड तक। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाला जो जातक है इनके लिए जो सूर्य चलेंगे सॉरी राहु चलेंगे आपके लिए आपकी राशि के अंदर, वृक्षिश नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए जो राहु चलेंगे आपके नक्षत्र में चलेंगे, तो आपके लिए इतना शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। इसका जो इफेक्ट है ये मानसिक इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। जिनका भी जन्म का चंद्र वृक्षिश नक्षत्र में है इनकी मेंटल हेल्थ को ये मानसिक समस्या ज़्यादा क्रिएट करेंगे राहु, खास करके जिनका जन्म चंद्र का नक्षत्र वृक्षिश है मिथुन राशि का, इनके लिए मानसिक यातना स्ट्रेस टेंशन बढ़ाने वाले होंगे। और इसका कोई रीज़न आपकी माता आपकी बहन या तो आपकी पत्नी कोई भी फीमेल मेंबर हो सकती हैं। जो भी जातक विवाहित है इनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। वृक्षिश के बाद बात करेंगे आद्रा के लिए। मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में जन्म जातकों के लिए राहु चलेंगे अति मित्रा नक्षत्र में, तो आपके लिए इतना अशुभ नहीं है। फिर भी मिथुन राशि वाले तमाम जातकों को रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि ये नक्षत्र मंगल का है और स्ट्रेस टेंशन बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर नक्षत्र है। पुनर्वसु। पुनर्वसु के तीन चरण जो हैं वो मिथुन राशि के अंदर आते हैं, और इसका जो ये
चौथा चरण है आपके लिए मित्र नक्षत्र में आता है, फिर भी आपका तमाम जो जैसे बताया कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ज़्यादा क्या करना होगा। चौथी राशि कर्क राशि, जल तत्व की राशि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो राहु चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, तो पुनर्वसु के लिए मित्र नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये वद नक्षत्र में होंगे। तो 12वें स्थान में राहु वद नक्षत्र में कहाँ से टेंशन दे सकते हैं, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के कारण आपको स्ट्रेस टेंशन आने की संभावना रहेगी। या तो आप नदी समंदर तालाब किनारे रहते हो या तो घूमने जाते हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो पानी से आपको जबरदस्त नुकसान आने की संभावना है। पुष्य नक्षत्र में खास करके जिनका जन्म हुआ है, तो आने वाला जो समय है ये 2 महीना जून जुलाई का, ये अप्रोक्सीमेटली बारिश का महीना होगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको खास करके कहीं भी आप जा रहे हो और पानी भरा हुआ है तो अनजाने रास्ते के अंदर आप उसके अंदर जाना अवॉइड करें, ट्रैवल करना अवॉइड करें, यहाँ से निकलना अवॉइड करें, क्योंकि पानी आपके लिए खतरे की घंटी समान है यदि आपका जन्म कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में हुआ है। आश्लेषा वाले जातकों के लिए क्या फल होगा, आश्लेषा वाले जातकों के लिए यही राहु साधक नक्षत्र में होंगे तो आपके लिए इतना नुकसान करने वाले नहीं है। एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको लाभ रहेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेविंग में वृद्धि हो, बचत में वृद्धि हो, तो कोर्ट कचहरी इत्यादि के अंदर आपको विजय दिलाने वाले बने, तो ये राहु का ट्रांजिट आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। तो आप देख रहे हैं कि नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि, अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो राहु राजस्थान के अंदर है और राहु जो है मघा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए प्रत्यारी नक्षत्र में है, प्रत्यारी माने ओपोजिशन, तो कहाँ से होगा, आपके भाई बहन, इसमें खास करके फीमेल मेंबर्स है या तो आपकी कोई फ्रेंड है, मित्रों के साथ, मित्रों में भी खास करके फीमेल फ्रेंड है, इनके साथ आपका ओपोजिशन होने की संभावना है यदि आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। तो पूर्व फाल्गुनी के लिए क्षेम तारा के अंदर होंगे तो आपके लिए शुभ है, और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण जो है वो सिंह राशि के अंदर है तो आपके लिए राहु विपत नक्षत्र में होंगे, तो आपको मित्रों में खास करके फीमेल फ्रेंड की ओर से आपको ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आने की संभावना है। संतान रिलेटेड चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। पढ़ाई करने वाले जातकों को भी पढ़ाई में लॉसेस या तो स्ट्रेस टेंशन आने की संभावना रहेगी। कन्या उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण जो हैं वो कन्या राशि में आते हैं। राहु आपके 10वें स्थान के अंदर विपत नक्षत्र में होंगे तो बिजनेस में, करियर में ये जबरदस्त लॉसेस करवाएंगे। एब्रॉड से कुछ काम कर रहे हैं तो भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी। स्ट्रेस टेंशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर के कारण टेंशन आ सकता है या तो एब्रॉड के कामकाज के कारण स्ट्रेस टेंशन आने की संभावना रहेगी। तो आने वाले 2 महीने जो हैं वो खास करके या तो ज़्यादा बारिश बाढ़ आने की संभावना के कारण भी आपकी जान माल को नुकसान हो सकता है, आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है, तो आपको खास केयर करना होगा। तो विदेश यात्रा प्रवास भी अवॉइड करें, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग अवॉइड करें, या तो आप कुछ ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पानी ज़्यादा है तो बाहर निकलने का साहस ना करें, और पानी से बचना होगा आने वाले 2 महीने के अंदर कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को। साथ साथ खास करके फादर के साथ रिलेशन में, जॉब में अपर लेवल्स है और विवाहित जातक है, इनको मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा केयर करना होगा यदि आपका जन्म का सूर्य उत्तरा फाल्गुनी है या तो आपका जन्म का चंद्र उत्तरा फाल्गुनी में है। हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए यही ट्रांजिट सुपर फल देने वाली होगी, एक्सट्रीमली सफलता देने वाली होगी। आपके लिए राहु चलेंगे संपत तारा के अंदर तो आपको पिता से लाभ रहेगा, विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है, विदेश से लाभ मिल सकता है, पिता से लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर से लाभ मिल सकता है, तो आपके लिए यही ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी। कन्या चित्रा के लिए मध्यम फलदायी है, अशुभ नहीं है, आपके लिए भी कामकाज में ये प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे, क्योंकि जन्म तारा जो है वो हमेशा पुष्टिकर्ता माना जाता है,
तो आपके लिए भी इतना ट्रांजिट बुरा नहीं है। तुला चित्रा के लिए जो ये ट्रांजिट है भाग्य स्थान के अंदर होगा, जन्म तारा के अंदर होगा तो भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। स्वाति के लिए अति मित्र नक्षत्र में है तो आपके लिए भी शुभ है, विदेश यात्रा प्रवास से लाभ मिल सकता है। और तुला विशाखा के लिए ये मित्र नक्षत्र में होंगे तो मित्र तारा भी इतना अशुभ फल देने वाला नहीं होता है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। वृश्चिक राशि, आठवीं राशि जल तत्व की राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल के नक्षत्र में चलने वाले राहु शुभ फल देने वाले नहीं है। विशाखा के लिए मित्र नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ये वध तारा के अंदर होंगे तो सबसे ज्यादा अशुभ फल जो है वो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए इसका ज्यादा अशुभ फल होगा। आपके लिए यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के कारण भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी, और खास करके जैसे अभी बताया कि नदी समंदर तालाब या तो बाढ़ वाली कोई जगह पे जाने का अवॉइड करें, और रास्ते में कहीं पानी भर गया है तो ऐसी जगह में से निकलना अवॉइड करें, या तो आपका भारी लॉसेस उठाने की संभावना रहेगी। तो पानी के कारण, यात्रा प्रवास के कारण आपको ये 2 महीने का जो समय है आपको शांति से पास करना होगा। घर में भी खास करके फीमेल मेंबर है इनके साथ आपको रिलेशनशिप में विशेष कर करना होगा। ज्येष्ठा वाले जातक हैं इनके लिए जो राहु साधक तारा के अंदर होंगे तो आपके लिए ये सफलता देने वाले होंगे। तो फिर भी वृश्चिक राशि वाले तमाम जातकों के लिए ये यात्रा प्रवास या तो पानी के कारण आपको भारी लॉसेस उठाना पड़े ऐसी कोई संभावना रहेगी। आने वाले 2 महीने 22 जुलाई तक का जो पीरियड है आपको पानी से बचना होगा। धनुराशि, नौवीं राशि धनुराशि वाले जातकों के लिए राहु चलेंगे सप्तम, जो चल रहे हैं और चलने वाले भी हैं सप्तम स्थान के अंदर, तो सप्तम स्थान में खास करके आपको अपने पार्टनर की ओर से ये ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन क्रिएट करवाएंगे। मूला के लिए खास करके प्रत्यनी नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी के लिए एक सेम तारा के अंदर है, और उत्तराषाढ़ा के लिए ये विपत नक्षत्र में है। तो विपत माने टेंशन, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन किसको आएगा? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए, क्योंकि आपके लिए विपत भी है और शत्रु भी है, योनि शत्रु है, तो दोनों प्रकार से स्ट्रेस टेंशन रहेगा। तो खास करके जो भी जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। साथ साथ पानी से भी बचना होगा। नदी समंदर तालाब किनारे आप घूमने जाते हो या पानी में अंदर ज़्यादा उतरते हो तो आपको आपका स्ट्रेस टेंशन आपका बढ़ सकता है। तो मकर राशि के लिए खास करके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं, इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा ये ट्रांजिट। खास करके फीमेल मेंबर्स की ओर, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण में कोई फीमेल मेंबर है तो उनकी ओर से स्ट्रेस टेंशन आ सकता है। साथ साथ रिलेशन में मामा एवं मौसी के या तो मौसी के साथ रिलेशन में तनाव आने की संभावना ज्यादा रहेगी। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी। आपके लिए शत्रु विजय योग बन रहा है, एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से लाभ करवाएंगे। और घनिष्ठा मकर में जन्म हुआ है इनके लिए भी ट्रांजिट शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ घनिष्ठा के लिए पंचम स्थान में राहु होंगे। मृक्षिश नक्षत्र आपका जन्म तारा है तो जन्म तारा पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपके बढ़ाने वाले होंगे और आपको लाभ करवाने वाले होंगे। और कुंभ घनिष्ठा के बाद कुंभ सत्तारका के लिए भी ट्रांजिट शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके लिए जो राहु चलेंगे अति मित्र नक्षत्र में चलेंगे तो आपके लिए भी राहु शुभ फल देने वाले होंगे। और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र नक्षत्र में होंगे तो आपके लिए भी शुभ है। मीन राशि वाले तमाम जातकों के लिए राहु चलेंगे धन स्थान के अंदर, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु चौथे स्थान के अंदर होंगे। चौथे स्थान में खास करके राहु का जो फल है ये पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वध तारा के अंदर चलेंगे तो माता के साथ रिलेशन में केयर करना होगा, साथ साथ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के अंदर भी केयर करना होगा। और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ये ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके लिए राहु साधक तारा के अंदर होंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी मैटर से बेनिफिट करने वाले होंगे। और यदि आपका जो प्रॉपर्टी है नदी समंदर तालाब किनारे हैं तो आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा ये 2 महीने का जो पीरियड है।
आपके लिए सफलता देने वाला होगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य रुक गया है तो आपका चालू होगा और ये 2 महीना आपके लिए आपको आपको माता की ओर से बेनिफिट करवा सकते हैं या तो आपको जमीन से बेनिफिट करवा सकते हैं। और यदि आपका जमीन या प्रॉपर्टी नदी समुंदर तालाब किनारे है तो आपकी तो चांदी चांदी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। अब मृगशीर्ष नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रयोग है। मृगशीर्ष नक्षत्र की शांति के लिए भगवान शिव की महादेव की विशेष उपासना करनी है और मंत्र करना है ओम नमः शिवाय। यदि आप वैष्णव हैं तो आप श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं और मंगल के मंत्र, आप विधर्मी हैं दूसरे धर्म वाले हैं तो मंगल के मंत्र कर सकते हैं। ओम धरणी गर्भ शंभुतम विद्युत क्रांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणाम्यम, ये मंत्र सभी धर्म वाले कर सकते हैं क्योंकि ये मंगल का मंत्र है और इसका बीज मंत्र भी है। ये मंत्र आपसे करना पॉसिबल ना हो तो सिंपल मंत्र कर सकते हैं ओम रीम क्लीम भौमाय नमः। यदि आपके लिए ये नक्षत्र मंगल का विपत नक्षत्र में या तो प्रत्यारी नक्षत्र में है तो कम से कम 3 या 4 गाय को रोज 50-50 या 100-100 ग्राम जितना गुड़ खिलाएं और खाने में खुद भी खाने में थोड़ा सा गुड़ का प्रयोग करें, 5-10 ग्राम जितना गुड़ का प्रयोग करें क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। गुड़ का आप दान भी कर सकते हो। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपका 1 लाइन में क्वेश्चन डाल दें और हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर कर देंगे। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के व्हाट्सएप कर दें तो एज सून एज हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। तो फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे।